गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवाशीष कुमार और ये हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर इस चैनल पे पहले अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, बिकॉज़ उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेक्चर फ्लो बना होना चाहिए। ये हिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे मराठास के बारे में लास्ट, और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भक्ति सेन के बारे में। आपको ये सारे पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। सो प्लीज़ उसे जाके पहले चेक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज एग्जाम टाइम में रिविजन करने के लिए उससे बेस्ट आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। हिस्ट्री का ये बेस्ट नोट है, बेस्ट एंड शॉर्ट इम्पॉर्टेंट नोट है। सो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ और सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस चैनल में आपको सारे के सारे मैथ्स के और सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इजीली सिंपल लैंग्वेज में और क्रैश कोर्स के तौर पे करवाया जा रहा है। बहुत ही कम टाइम में आपके सारे के सारे कोर्स करवाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए। लाइक करना ज़रूरी है, लाइक कीजिएगा नहीं तो फिर हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, शेयर कीजिएगा तो हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल बाय शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ाई। यहाँ पे आज का टॉपिक है भक्ति सेंट्स के बारे में, ठीक है। हम लोग कुछ संत और महापुरुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है रामानुज। रामानुज जो है वो साउथ इंडिया के एक बहुत ही बड़े सेंट थे, जिसे वैष्णवा सेंट भी कहा जाता है, जिन्हें फिलोसॉफी भी दिया हुआ है। और दूसरे बड़े संत, इनका नाम तो आपने पढ़ा ही होगा, कबीर जो है, ये आपके संत रामानंद के सारे डिसिप्लिन्स को आगे बढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आपका मीराबाई, एक लेडी थी, ये श्री कृष्ण के जो है भक्त भक्त थी मीराबाई का, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। आपका फोर्थ है तुलसीदास। तुलसीदास जो है अकबर के राज के दौरान ये थे, और उन्होंने रामचरितमानस और गीता वाली भी लिखी हुई है। और उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं संत के बारे में, जो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैता का जो है फिलोसफी दिया था। तो ये तो हो गया हिंदी हिंदू गुरु के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सिख गुरु के बारे में। हम लोग जानते हैं कि सिख के बहुत सारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु है गुरु नानक, जिन्होंने सिख रिलीजन का जन्म किया। उसके बाद है गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी को इन्वेंट किया। थर्ड है आपके गुरु अमरदास, जिन्होंने 22 गांडिया की इस्टेब्लिशमेंट किया। थर्ड आपका है गुरु रामदास। गुरु रामदास ही थे जिन्होंने अमृतसर को फाउंड किया था। एग्जाम में भी आता है, आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है गुरु अर्जन। गुरु अर्जन जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल फाउंड किया और कंपोज किया आदि ग्रंथ का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गुरु हरगोबिंद। हरगोबिंद जो है उन्होंने अकाल तख्त का इस्टेब्लिशमेंट किया। नाइन्थ गुरु है आपका गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने 116 पोइट्स लिखा था और उन्होंने रजिस्टर भी करवाया था गुरु ग्रंथ साहिब का, सॉरी गुरु ग्रंथ साहिब में जो 116 पोइम्स जो लिखा हुआ है वो गुरु तेग बहादुर ने ही लिखा था, ठीक है। और लास्ट गुरु है गुरु गोविंद सिंह, ये सबसे लास्ट गुरु है और इन्होंने ही खालसा का फाउंड किया था। तो चलिए हम लोग का एंशंट हिस्ट्री खत्म हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से यूरोपियंस जो है इंडिया आए, कब आए और क्यों आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले 1498 में एक कंपनी आई थी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वास्को डी गामा ने एक सी रूट को डिस्कवर किया जो कि यूरोप से इंडिया तक आता था, वो भी केप ऑफ गुड के द्वारा, ठीक है। और ये जो है कैलिकट से होके जाता था। उसके बाद फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जो है वो पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे जो कि इंडिया आए थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1600 सेंचुरी में। यहाँ पे इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री जो है सूरत में खोला था 1631 में। याद रखिएगा 1631 में सबसे पहला फैक्ट्री खोला था सूरत में, ठीक है। उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंग्स और सर थॉमस रॉय जो है जहांगीर
गए और वहाँ पे परमिशन लिए फैक्ट्री खोलने के लिए, इसे याद रखिएगा। उसके 2 साल के बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच लोग भी आए थे, और उन्होंने जो है अपना ट्रेडिंग सेंटर्स खोल दिया आपके साउथ इंडिया में। ये सारे जगह के नाम आप लोग देख सकते हैं, मसूलीपट्टनम है, नागापट्टनम है, कोचीन, और भी बहुत जगह पे। उसके बाद लास्ट तो नहीं कहेंगे, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने भी अपना पहला जो है फैक्ट्री सूरत पे ही, सूरत में ही इस्टेब्लिश किया। अब पढ़ते हैं कुछ गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के बारे में, ठीक है, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है में आते हैं हमेशा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वारेन हास्टिंग के बारे में। वारेन हास्टिंग जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल का, जो कि 1772 से लेकर के 1785 तक रहे थे। उन्होंने ही डुअल गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट लाया था। सर विलियम जोन्स जो है उन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोशल, वो भी साल 1784 में, साल 1784 में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है इंट्रोड्यूस किया सेटलमेंट बंगाल और बिहार में, ये परमानेंट सेटलमेंट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उन्हें जो है सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का फादर भी कहा जाता है, जितने भी सिविल सर्विसेज इंडिया में होते हैं वो सारे उन्होंने ही स्टार्ट करवाए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेस्ले के बारे में, जो कि 1798 से लेकर के 1805 तक, काफ़ी लंबा टाइम है, 7 साल का टाइम है, उतने दिन तक इंडिया के जनरल रहे थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस 1798 में, आते ही उन्होंने 1798 में सब्सिडरी अलायंस जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। हैदराबाद जो है पहला स्टेट था जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस जो है साइन किया गया था। उसके बाद 1807 से लेकर के 1813 तक आए लॉर्ड मिंटो वन, उन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन किया अमृतसर का, वही महाराजा रणजीत सिंह के साथ, ठीक है। और उसके बाद जनरल बने लॉर्ड हास्टिंग 1813 से लेकर के 1823, 10 साल तक ये रहे थे जनरल, और उन्होंने रियोतवारी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। वो थॉमस मुनरो ने 1820 में उन्हें सजेस्ट किया था, जो कि एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, ये 1828 से लेकर के 1835 तक जनरल रहे थे, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और इन्होंने ही सती, जो हम लोग के इंडिया में सती प्रथा जो था उन्हें हटाया था 1929 में, याद रखिएगा, सती प्रथा जो इंडिया में है वो हटाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया गया था मेरे ख्याल से, अंग्रेजों के द्वारा किया गया सबसे बेस्ट काम अगर कोई था तो यही था, सती प्रथा को हटाना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड हैंडिंग वन के बारे में, जो कि 1844 से लेकर के 1848 तक रहे। इन्होंने जो है एक ट्रीटी साइन करवाया लाहौर का सिख के साथ, जो कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, उसके बाद इन्होंने ट्रीटी साइन करवाया था एक शांति प्रस्ताव के अवधारणा से। उसके बाद आते हैं 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है एक विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास किया था। इसमें क्या है कि पहले के ज़माने में 1856 से पहले कोई भी जो आपके विडो औरत जो है वो मैरी नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक्ट बनाया कि 1856 के बाद कोई भी विडो औरत फिर से शादी कर सकती है विधवा होने के बाद। सो ये काफ़ी एक अच्छा कदम उठाया था उन्होंने, और इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जी, लैप्स, जो कि 1848 में, और संतारा जो है पहला स्टेट था जिसे उन्होंने कैप्चर किया था। अवध भी उनके द्वारा कैप्चर किया गया था, और उसी वक्त जो है पहला रेलवे लाइन जो है 1853 में बनाया गया था, और पोस्टल सिस्टम जो है 1854 में उन्होंने ही लाया था, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे काम इन्होंने किया था, पहला री मैरिज एक्ट इन्होंने लाया था, और जो है फर्स्ट रेलवे लाइन और पोस्टल सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहे, वो जो है लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के रहे थे और पहले वायसराय रहे थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उन्हीं के दौरान जो है घटित हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही
घटित हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लॉर्ड लाइटन के बारे में। लॉर्ड लाइटन 1876 से 1880 तक रहा था। उन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1876 में पास किया था, और उन्होंने सिविल सर्विसेज का एज जो है मिनिमम 21 था पहले, उसके बाद उन्होंने उसे 18 किया। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी जो है सिविल सर्विसेज कर सकता है, पहले ये 21 था, लेकिन आपका लॉर्ड लिंटन ने इसे 18 कर दिया। जो अभी भी आप लोग देखिएगा कि सरकारी नौकरी का जो एज जो है 18 होता है मिनिमम हमेशा, सो ये भी आप कह सकते हैं कि लॉर्ड लिंटन के ही द्वारा इन्हीं का एक देन है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। 1880 से लेकर के 1884 तक इन्होंने रहे, और इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने ही सेल्फ गवर्नमेंट का रूल लाया था। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जोन के बारे में, जो कि 1899 से लेकर के 1905 तक ये अपने पद पे रहे थे। इन्होंने इनके टाइम में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने ही करवाया था, याद रखिएगा, इन्हीं के पद के दौरान ये हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। 1910 से लेकर के 1960 तक थे। इन्होंने दिल्ली दरबार ऑफ 1911, एमलमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारे के सारे काम करवाए थे। ये बहुत ही खराब था। उसके बाद 1926 से लेकर के 1931 तक जो है लॉर्ड इरविन का राज था। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन हुआ था 1931 में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दांडी मार्च जो है उसी वक्त शुरू हुआ था, लॉर्ड इरविन के वक्त। ओके, उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में। ठीक है, ये 1936 से 1943 तक अपने पद में थे। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था 1939, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसी दौरान जो है इन्हीं के पद के दौरान अस्तित्व में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इसी के दौरान आया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका लॉर्ड वेवल के बारे में, जो कि 1943 से लेकर के 1947 तक अपने पद में थे। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 जो है इन्होंने ही करवाया था। कैबिनेट मिशन प्लान भी इन्हीं का था। उसके बाद जो है सबसे लास्ट जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि मार्च से लेकर के अगस्त तक ही थे, 1947 तक, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे लास्ट गवर्नर जो थे वो अंग्रेज गवर्नर, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और इन्हें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी कहा जाता है। ये इंडिया जो आज़ाद इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन, हमेशा एग्जाम में आता है। और इन्हें जो है अपॉइंट किया गया दो बाउंड्री कमीशन के द्वारा, वो भी अंडर सिरिल रेडिफल के बारे में। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग को जो स्वतंत्रता मिला तो उसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, और हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। आज़ादी के लिए जंग और लड़ाई जो है 1857 में ही स्टार्ट हो गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 में मेरठ शहर से। बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने उन्हें डिक्लेयर किया गया था इस रेवोल्यूशन के हेड के तौर पे, और इसे सेपोय मिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए था। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट वॉज इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स विच वॉज गीज्ड कार्टिज गीज्ड विथ काउ एंड पिग फैट। क्या हुआ था कि जब भी ये रेवोल्यूशन जो आया था, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी बंदूक राइफल्स थे और उनके कार्टेज जो है वो गाय और सूअर के चमड़े और फैट्स को यूज करके बनाया गया। ये जानबूझ के इसलिए बनाया गया था क्योंकि काओ को हम लोग माँ मानते हैं, और मुस्लिम जो है वो सूअर को नहीं छूते हैं। सो हिंदू और मुस्लिम ताकि जो है इफेक्ट और अटैक ना कर पाए अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, सारे के सारे राइफल्स और सारे के सारे हथियार जो है गाय और सूअर के इस्तेमाल से ही बनाया। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट जो है फेल हो गया था बहुत सारे कारणों की वजह से। पहला कारण था कि बहुत ही कमज़ोर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप था, और दूसरा कारण था कि कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम था, और
जो हमारे सेपोय थे, सेपोय मतलब आप इसे आर्मी भी कह सकते हैं, या फिर जो आपके स्वतंत्रता के लिए सेनानी जो होते हैं वो भी कह सकते हैं। और लॉयलिटी जो है वो काफ़ी सारे रूलर्स जो है आपके ब्रिटिश के तरफ बहुत ही लॉयल थे, डरते थे वो, और लॉयलिटी जो है हमारे यहाँ के राजाओं ने जो ब्रिटिश को दिखाया उसके वजह से जो है 1857 का ये रिवॉल्ट जो है अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन इससे फिर पहला वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी हम लोग कहते हैं इसे। मंगल पांडे एक ऐसे सेवॉय थे, वो बैरकपुर से थे, जिन्हें 1857 में ही टंगाया गया था, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, सॉरी। ओके, सो मंगल पांडे जो है उनको फांसी मिली थी 1857 में, याद रखिएगा। और 1857 का जो रेवोल्यूशन जो था उसका सेंटर कहाँ कहाँ था और उनके लीडर कौन थे वो भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। सो याद रखिएगा, दिल्ली वाले सेंटर के जो हेड थे, लीडर, वो बहादुर शाह टू और भक्त खान थे। सेकंड आपका बनारस का लीडर जो थे लियाकत अली थे। कानपुर से नाना साहेब तांटिया तोप और आजिमुद्दीन खान जो है वो लीड कर रहे थे। लखनऊ से हजरत महन जो कि बेगम थी अवध की, वो फीमेल होके लीड कर रही थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खान जो है वो लीड कर रहे थे। अवध जो कि बिहार में है उनका लीडरशिप वेन कुंवर सिंह कर रहे थे। अब हम लोग आ जाते हैं ट्राइबल मूवमेंट के बारे में। ट्राइबल मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों पे था। सो सबसे पहला रिवॉल्ट जो था वो कोल अपराइजिंग था, ईयर 1824 से लेकर 28 तक चला, 1839 और 1899 में भी हुआ, और ये खास करके गुजरात में हुआ था। गुजरात के जितने भी ट्राइबल्स थे उन्होंने ये रेवोल्यूशन किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर और सिंहभूम में जो है रिवोल्ट हुआ था, ये 1820, 22 और 32 में हुआ था, सिंहभूम और छोटा नागपुर एरिया में। उसके बाद हम लोग देखते हैं दुर्गापुर एरिया जो है साउथ राजस्थान का, और बसनावा जो है 1933 में भील जाति के जो लोग हैं उन्होंने अंडर गुरु गोविंद गुरु के अंडर में ये रिवोल्ट शुरू किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा जो है, झारखंड के बिरसा मुंडा, उन्होंने 1899 से लेकर के 1900 तक छोटा नागपुर एरिया जो कि झारखंड और बिहार के इधर का एरिया है उस एरिया में उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। उसके बाद एक और रेवोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं, ये था मोम्पा रेवोल्यूशन, ये 1921 में हुआ था, ये मालाबार केरला के तरफ ये रेवोल्यूशन हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहाँ कहाँ पे चला था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब आपके जैसे कई सारे समाज होते हैं, ब्रह्म समाज जो है, इस टाइप के बहुत सारे मूवमेंट जो कि सोशली लोगों को सुधारने और उनके कल्चर को सुधारने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज जो कि 1830 से स्टार्ट हुआ था। इनके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, याद रखिएगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मूर्ति पूजा है और जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाया जा सके, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद आते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है आपका, सॉरी, यंग बंगाल मूवमेंट जो है 1826 से लेकर के 1831 तक चला था। ये आपका विवन डेरोजियो के द्वारा था, और ये पहला मॉडर्न नेशनलिस्ट पोइट थे, और उन्होंने जितने भी वाइसेस थे सोसाइटी के उसके अगेंस्ट में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। उसके बाद आते हैं आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में स्टार्ट किया था। इनके लीडर थे आपके, और फाउंडर भी कह सकते हैं, आत्माराम पंडुरंगा, ठीक है। इनका ये मानना था और इनका एम टारगेट ये था कि जितनी भी महिलाएं हैं समाज में उन्हें एक ऊंचा दर्जा मिले और कास्ट जो है ये सिस्टम को हटाया जाए और सारे के सारे कास्ट को सेम वैल्यू दिया जाए। उसके बाद आते हैं आर्य समाज। आर्य समाज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये 1875 में स्टार्ट हुआ था। इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती, और इनका एक ही नारा था कि वेद तक हम लोग वापस जाते हैं। इनका हम लोग जानते हैं कि एक मूल मंत्र भी है जो कि है ओम भूर्भुवः, ये भी आपका वेद से ही लिया गया है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी जो है, इनके हेड थे मैडम ब्लावाट्स्की और कर्नल एच एस ऑलकॉट। इनका मेन मोटो था कि इंडिया में
यहाँ के सिस्टम को थोड़ा चेंज किया जाए, और इनका जो ओरिजिनली स्टार्टिंग हुआ था न्यूयॉर्क में हुआ था, इंडिया में इसका स्टार्टिंग जो है एनी बेसांत ने किया था, मद्रास में इसका स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है ये स्टार्ट हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये हिंदू को उठाने और सारे के सारे समाज में आपके एजुकेशन और शिक्षा के लिए, शिक्षा को ऊपर उठाने और सबको शिक्षित करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोग के स्वतंत्रता के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आई थी 1885 में, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो 1885 में आई थी, और इसे जो है फॉर्म किया था ए ओ हुम ने 1885 में। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगा, ठीक है। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका फॉर्म्ड जो है 1885 में हुआ था, ए ओ हम ने किया था। इन द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, सबसे पहला मीटिंग बॉम्बे में हुआ था, और ये डब्ल्यू सी बैनर्जी के द्वारा हेड किया गया था, और इसे 72 लोगों ने अटेंड भी किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है बदरुद्दीन त्याग जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एन बेसान जो है पहली वोमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये सारे के सारे डेटा आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिटेल पे चलते हैं, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो बंग भंग हुआ था उसके बारे में। ये अनाउंस किया गया था लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के बारे में। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने सुना कि लॉर्ड कर्जन के टाइम ही बंगाल का बंग भंग हुआ था, और ये 16 अक्टूबर 1905 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ही दुखद घटना है, बंगाल को तोड़ के बिहार और उड़ीसा में तब्दील कर दिया गया, और फिर बिहार भी 2000 में टूट के ये झारखंड और बिहार दो अलग अलग राज्य हो गए थे। सो बंगाल के बहुत टुकड़े हुए हैं, लेकिन आज भी बंगाल काफ़ी मजबूत खड़ा है। बंगाल को जो है सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो कि डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों का यही एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, जो ये रूल था इसी के दम पे इन्होंने हम पे राज किया था। सो यही पॉलिसी। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्वदेशी और बॉयकॉट 1905 में। स्वदेशी हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग इस दौरान, इस रेवोल्यूशन के दौरान सिर्फ स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, और बॉयकॉट मतलब हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं अंग्रेजों के जो भी सारे सामान थे वो। सो स्वदेशी रिवॉर्ट, स्वदेशी जो है ये स्टार्ट हुआ था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बॉयकॉट किया गया था, क्या क्या नज़रअंदाज किया गया था। सबसे पहले तो है फॉरेन कपड़े हम लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, स्वदेशी स्कूल जो है हर जगह पे खोल दिया गया, ताकि हम लोग अपने भारतीय संस्कृति और इंडियन कल्चर के बारे में ही पढ़ाई करें। अंग्रेज जो है अपने कल्चर के बारे में पढ़ाई करवाते थे, और हम लोग भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने काफ़ी इफेक्ट डाला है, क्योंकि हम लोग अभी जो भी पढ़ रहे हैं ये सब इंग्लिश में है, ये सारे के सारे अंग्रेजों का ही कल्चर है। सो कल्चर जो है अंग्रेज ने अपना काफ़ी ज़्यादा इम्पोज किया था इंडिया में, और इसी कल्चर को जो है, इस इंडियन कल्चर को बचाने के लिए उस टाइम स्वदेशी स्कूल जो है सारे जगह पे खोले गए थे हिंदी मीडियम। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो है आमार सोनार बांग्ला सॉन्ग जो है उसी टाइम कंपोज किया था। इसका मतलब है मेरे सोने का बंगाल, बंगाल को उस समय सोना का बंगाल कहा जाता था। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुआ था 1907 में ढाका में हुआ था, और ये उस वक्त भारत में ही आता था 1906 में ढाका में, और ये स्टार्ट किए थे नवाब सलीमुद्दीन ने। और उसके बाद सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट मतलब कि उस टाइम सूरत को तोड़ दिया गया और उसे टुकड़ों में बांट दिया गया। ये 1907 में हुआ था सूरत सेशन के द्वारा, जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपके रस बिहारी घोष थे। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है दो भागों में बट गए थे। पहले भाग थे मॉडरेट लीडर्स के द्वारा, जो दादा भाई नौरोजी और ए ओ हुम जो कि फाउंडर भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप वाले जो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। सो ये दो टुकड़ों में
डिवाइड हो गया था इंटरनेशनल कांग्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रिफॉर्म आया था वो 1909 में आया था। ये मॉरले मिंटो रिफॉर्म था, इसे वायसराय लॉर्ड मिंटो ने अपने नाम पे इसे लाया था। और ये था मुस्लिम्स के लिए खास करके। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट चला था वो था होम रूल मूवमेंट। इसे बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया था, और एन बेसांत जो है सितंबर 1916 में इसे ज्वाइन किया। इसका मेन उद्देश्य यह था कि इंडिया का एक सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जा सके, भारत का अपना एक सरकार हो, अंग्रेज सरकार के अंडर में भारत को ना रहना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लखनऊ पैक्ट के बारे में, जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही मिलके ये लखनऊ सेशन को स्टार्ट किया था, और इसे अंबिका चरण मजूमदार ने प्रेसिडेंट किया था, लीड किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी का अराइवल इंडिया में कब हुआ था। ठीक है, गांधी जी इंडिया आए 9th of January 1950 में। उन्होंने कई सारे रेवोल्यूशन, कई सारे सत्याग्रह और कई सारे मूवमेंट में हिस्सा लिया, और उन्होंने खुद उसे लीडरशिप भी किया। सबसे पहला स्टार्ट होता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण जिला गुजरात में 1917 में स्टार्ट हुआ था। ये इसलिए था क्योंकि इंडिया के जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून थे, वो सारे के कानूनों के अवहेलना करने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इसका नाम चंपारण इसलिए पड़ा था क्योंकि ये चंपारण जिला से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण और उन्होंने साबरमती आश्रम भी बनाया था, जो कि साबरमती गुजरात में था। महात्मा गांधी ने जो है साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर के बगल में एक आश्रम है, उन्होंने वो फाउंड किया था, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, जिससे वो सारे के सारे मीटिंग्स और सारी के सारी मूवमेंट का स्टार्टिंग वहीं से करते थे, प्लानिंग भी। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में स्टार्ट हुआ था, वो गुजरात में ही स्टार्ट हुआ था गांधी जी के द्वारा, ताकि जितने भी कर्जदार जो है, जो जमीन पे जो भूमिहार है, उनके लिए ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। उसके बाद अगला सत्याग्रह है आपका अहमदाबाद सत्याग्रह, जो कि 1918 में उसी साल शुरू हुआ था, गुजरात से ही स्टार्ट हुआ था। ये इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा इन्वॉल्व था। ये पहला भूख हड़ताल था जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो भूख हड़ताल टेक्निकली कहा जा सकता है, तो अहमदाबाद सत्याग्रह के टाइम भी स्टार्ट हुआ था। ओके, अगला टॉपिक है हम लोग का मोंटेगू डिक्लेरेशन 1917। इसे अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें एडविन सैमुअल मोंटेग, जो कि उस समय सेक्रेटरी थे स्टेट ऑफ इंडिया के, और लॉर्ड जेम्स फोर्ड, जो कि वायसराय थे इंडिया के 1916 से 1921 तक, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और ये रिफॉर्म इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिया में एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया जा सके, इंडिया के खुद का गवर्नमेंट बन सके। उसके बाद 1919 में आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है वो पास किया गया था जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो वाइस रॉयल्टी संभाल रहे थे, और रॉलेट एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकता है और जेल में डाल सकता है बिना किसी भी ट्रायल से, बिना किसी भी ट्रायल के कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को अपने जेल में डाल सकता है, ये था। उसके बाद आपको पता होगा कि उसी साल 1990 में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग मैसेक्रे। ठीक है, ये 13th of April 1990 जालियांवाला बाग में हुआ था, जो कि अमृतसर में है। उस टाइम जनरल ओ डायर थे, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने एक पीसफुल क्राउड, एकदम पीसफुल क्राउड था, कोई हल्ला वल्ला नहीं कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाने के लिए कहा गया। जनरल डायर थे, और वो जो भीड़ थे, इंडियंस की भीड़ थे, वो सिर्फ
आंदोलन कर रहे थे इस बात पे कि डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी कारण के अरेस्ट किया गया था। उनके अगेंस्ट उसके अरेस्ट के अगेंस्ट एक मुहिम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। एकदम शांत भीड़ में जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। इसे एक ब्लैक डे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका खिलाफत मूवमेंट, जो कि 1920 से 1922 2 साल तक चला। खिलाफत मूवमेंट में क्या था, ये जो है अली ब्रदर्स मौलाना अली और शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में, और इसे गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। और ये एक ऐसा संगठन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, क्योंकि उन्होंने ऑटोमन कैलिफेट जो है टर्की के उसके अगेंस्ट गए थे। उसके बाद आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर के 1922 तक। ये एक पहला बहुत बड़े लार्ज मास पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और ये गांधी जी ही चला रहे थे। इसके अंदर में क्या था कि बहुत सारे सरकारी ऑफिसर के लोग जो कि नॉमिनेट थे वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे थे, और लोकल बॉडीज़ में भी थे वो भी अपना रेजिग्नेशन दे रहे थे, और जो भी जनरल पब्लिक है वो मिलिट्री में नहीं जाना चाह रहे थे, और जो विदेशी चीज़ें हैं उसका बहिष्कार होता था। तो यही था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है चौरी चौरा इंसिडेंस 1922 में। देखते हैं कि क्या हुआ था। ये चौरी चौरा जो ये है एक गांव था उत्तर प्रदेश में। 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया कुछ गरीब पीजेंट के द्वारा। और इस इंसिडेंस के बाद क्या है कि गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही खराब हुआ था इंडिया के इतिहास में। और उसके बाद देखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी जो है उनके मेंबर थे आपके मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, सी आर दास, एन सी केलकर, और इन्होंने एक स्वराज पार्टी का संगठन किया। और उनका डिमांड ये था कि नेशनलिस्ट जो है वो बॉयकॉट करें, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और उन पे एक्सपोज किया जाए। उसके बाद सी आर दास का जो डेथ हुआ 1925 में, तो ये भी पार्टी जो है 1926 में ख़त्म हो गई। तो ये पार्टी 1923 में स्टार्ट हुआ था और 1926 में ख़त्म हो गई डेथ ऑफ सी आर दास के बाद, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में आया। इसमें क्या था कि देखते हैं, देखिए क्या था। इट वॉज द ऑल वाइट कमीशन दैट वॉज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट बिकॉज देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन इट एंड रेज द स्लोगन साइमन गो बैक। गवर्नमेंट यूज ब्रूटल सप्रेशन एंड लाला लाजपत राय वॉज किल्ड इन लाठी चार्ज। इस कमीशन में क्या था, साइमन कमीशन में, कि जितने भी गोरे अंग्रेज थे उन्हें भेजा गया था सारे के सारे इंडियंस को रिव्यू करने के लिए कि कौन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जितने भी इंडियंस जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, उनका नारा था साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ थे सारे थे लोग। और इसी साइमन कमीशन के दौरान जो है लाला लाजपत राय की मौत हो गई लाठी चार्ज की वजह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेहरू कमेटी रिपोर्ट, जबकि 1928 में ये मोतीलाल नेहरू के अंडर में था, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन सारे के सारे ड्राफ्ट को डिटरमाइन करते थे। इसके बहुत सारे और भी दूसरे दूसरे मेंबर थे, जैसे तेज बहादुर सापरू थे, जिन्ना जो है उन्होंने नेहरू का रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपना एक लिस्ट दिया, क्योंकि जिन्ना का अपना एक लिस्ट था जिसमें 14 पॉइंट्स थे, तो जिन्ना ने कभी भी नेहरू का सपोर्ट नहीं किया इसमें। उसके बाद आते हैं लाहौर सेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर सेशन जो था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही था, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रेसिडेंट किया गया था, उन्होंने संभाला था। पूर्ण स्वराज जो है डिक्लेयर किया गया था एक गोल के तौर पे, पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, यही नेशनल कांग्रेस का एम था, यही गोल था। पहला इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट किया गया था 26 नवंबर 1930 में।
उसके बाद आते हैं डांडी मार्च 1930 में। 1930 में डांडी मार्च क्या था? ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक ऐसा मुहिम था जो कि साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 में, जो कि दांडी एक जगह है वहाँ से शुरू हुआ था। दांडी मार्च में क्या, एक नमक का जो नियम था कि कोई भी इंडियन जो है किसी भी समुद्र से नमक नहीं बना सकता है, इस नियम के खिलाफ गांधी जी ने ये एक्ट को और ये मार्च शुरू किया था। और नमक से एक मुट्ठी, ये सॉरी, समुद्र से एक मुट्ठी नमक लेके उन्होंने ये जो है सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट, अवहेलना आंदोलन का शुरुआत किया था। ये 1930 में हुआ था, ठीक है। अब पढ़ते हम लोग की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था 1930 में, और ये पहला ही कॉन्फ्रेंस था जो कि ब्रिटिश और इंडियंस के द्वारा पहला अरेंज्ड था, जिसमें ब्रिटिश और इंडियंस दोनों को ही इक्वल बराबरी दी गई थी। ये 12 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था और ये साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए शुरू हुआ था, ठीक है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे एब्सेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड नहीं किया था। उसके बाद दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग एक साल के बाद हुआ 1931 में। गांधी जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो लंदन गए मिलने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे राम से मैकडोनल्ड से। और ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया क्योंकि गांधी जी एग्री नहीं कर पाए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त, उनके प्रस्ताव को गांधी जी ने ठुकरा दिया, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कम्युनल अवार्ड 1932। सेकेंड राउंड टेबल के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे राम से मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या था कि मुस्लिम, सिख, यूरोपियन और जितने भी नीचे क्लास के लोग हैं वो सारे के सारे के लिए एक प्रोविजन एक्ट बनाया गया था। गांधी जी अंडरवेंट टू फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड। फाइनली पूर्व पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। उसके बाद हुआ आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ और ये भी फ्रूटलेस, मतलब कि कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला, और इसके अंत में ज़्यादातर नेशनल लीडर्स जो थे वो जेल में चले गए। उसके 3 साल के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट था और इन्होंने ऑटोनॉमी और डायरेक्टरी के प्रोविंसेस को स्टार्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि ये एक नया टाइप का चार्टर है, इट इज़ अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, एक नया तरीका है किसी को भी गुलाम बनाने का, ठीक है। उसके बाद 1940 में स्टार्ट हुआ डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का चाहत जो है 1940 से ही शुरू हो गया था, जब इंडिया भी आज़ाद नहीं था, पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं था, उसके 7 साल पहले ही पाकिस्तान का चाहत शुरू हो गई थी। लाहौर सेशन जो है मुस्लिम लीग, उन्होंने एक सेशन को हेल्ड किया 24 मार्च 1940 में, जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के डिमांड में था कि मुस्लिम को एक अलग नेशन दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान रहेगा। चौधरी रहमत अली जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का आइडिया दिया था। चौधरी रहमत अली, नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही पाकिस्तान का आइडिया दिया था कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग राज्य, एक अलग देश हो। उसके बाद आते हैं क्रिप्स मिशन 1940। क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में भेजा गया 1940 में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था ताकि इंडिया इंडियंस जो है उन्हें कोऑपरेट किया जा सके, ताकि इंडियंस जो है वर्ल्ड वॉर 2 में अपना कोऑपरेशन दे सके और हेल्प मिल सके अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 2 में। हम लोग ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे इंडियंस ने अपनी जान गंवाई और बहुत सारे इंडियन सैनिक जो है हेल्प किए अंग्रेजों को वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने के लिए, ठीक है। और ये जो है हेड किया जा रहा था सर स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। उसके बाद आते हैं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है कांग्रेस के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था, एक बॉम्बे सेशन था, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया। इसे जो है पास किया गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के द्वारा, और ये गांधी जी के द्वारा स्वचालित था। गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश को कि भारत छोड़ो और
एक स्लोगन दिया था गांधी जी ने, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही एक स्लोगन मिला था, डू और डाई, करो या मरो स्लोगन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही गांधी जी ने दिया था। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी 1943। जनरल मोहन सिंह जो है उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, उन्होंने ही फाउंड किया, शुरुआत वही की। सुभाष चंद्र बोस जो है बर्लिन से गायब हो चुके थे 1941 में, और उन्होंने इंडियन लीग जो है वहाँ पे शुरू किया था 1943 में। उन्होंने नेशनल इंडियन नेशनल INA को भी ज्वाइन किया, सिंगापुर में बनाया, और राज बिहारी बोस जो है हैंड ओवर कर दिया, राज बिहारी बोस को हैंड ओवर कर दिए इन्होंने सारा का सारा लीडरशिप। सुभाष चंद्र बोस का जो पार्टी था उसका नाम था INA, ठीक है। उसके तीन फाइटिंग ब्रिगेड्स थे जिनका नाम था गांधी, आज़ाद और नेहरू। झांसी की रानी ब्रिगेड जो थे वो एक एक्सक्लूसिव वोमेन थी फोर्स में। INA का हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर में था। उसके बाद आ जाते हैं 1946 में कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग को भेजा गया इंडिया में 1946 में, ताकि इंडिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से बनाया जा सके। इसके मेंबर थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर। तो इन्हीं तीनों ने कैबिनेट मीटिंग और इन यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का गढ़ रखा था। रिकमेंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कि क्या क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या कानून रहेंगे। उसके बाद आ जाता है 1946 में इंटर्म गवर्नमेंट। इंटर्म गवर्नमेंट जो है उसका शुरुआत जो है और इसका फाउंडिंग 2 सितंबर 1946 में हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं किए थे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके द्वारा ही संचालित था। तो हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग का पटता नहीं था शुरू से। जहाँ मुस्लिम लीग है वहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं, जहाँ जवाहरलाल नेहरू है वहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं थे। उसके बाद 1947 में माउंट बैटन प्लान था। माउंट बैटन प्लान का जो अनाउंसमेंट था वो 3 जून 1947 में हुआ था, लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा, जिन्हें रिप्लेस किया गया था लॉर्ड वेवेल से। इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता था। ये जो था पार्टीशन ऑफ इंडिया और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडिया के पार्लियामेंट को दो इंडिपेंडेंट डोमेन्स, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमेन्स में छोड़ देंगे। एक इंडिया रहेगा और एक पाकिस्तान रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन पॉपुलर पर्सनैलिटी थे और उनका योगदान क्या था, ठीक है। सबसे पहले है हम लोग के पास दादा भाई नौरोजी। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वो पहले ऐसे इंडियन थे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्हें इलेक्ट किया गया था। उन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बुक दिया था, और उन्होंने एक और बुक दिया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं एन बेसंत। एन बेसंत जो है ये एक राइटर, एक पोइट के तौर पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल और कॉलेज जो है खोले थे बहुत सारे बनारस में। उन्होंने फेमस न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ भी एडिट किया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। वो भी न्यूज़पेपर जो कि मराठा जो कि इंग्लिश में थे और केसरी जो कि हिंदी में थे उनके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। और लाल बाल पाल के नाम से तीन लोगों को हम लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय, लाल बिपिन चंद्र पाल बाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो यही तीनों थे लाल बाल पाल के नाम से, और बाल गंगाधर तिलक उन्हीं में से एक थे। और बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, आप लोग नाम सुने होंगे, ये एक पोइट थे, फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट और पैट्रियट तीनों थे। इन्होंने ही शांति निकेतन का शुरुआत किया था, खोज किया था 1901 में। उन्होंने गीतांजलि भी लिखा था, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। 1915 में उन्होंने उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नाइटहुड का भी अवार्ड मिला था, और उन्होंने ही हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है।
उसके बाद लाला लाजपत राय, उन्हें लायन ऑफ पंजाब के भी नाम से जाना जाता है। वो पहले प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, और उन्होंने ही जो है इंडिया सोसाइटी 1905 में शुरुआत किया था। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था पोरबंदर में, और उनकी माता जी पुतली बाई और उनके पिताजी करमचंद्र गांधी थे, और महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे। सॉरी, महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे और उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वापस आए थे। उन्होंने हरिजन्स के लिए, जो कि दलित है उसके लिए बहुत काम किए हैं, और हरिजन सेवक संघ का भी स्थापना उन्होंने ही किया था। उन्होंने एक टोल्स्टॉय फार्म जो है ट्रांसवेल साउथ अफ्रीका में भी शुरुआत किया था 1910 में। साउथ अफ्रीका में बहुत जन गांधी जी को मानते हैं, जानते हैं अच्छे से और उनके कथन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू, उन्हें नेशनलिस्ट पोइटिस के नाम से भी जाना जाता है, उसे नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि नाइटिंगल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप लोग निस्संदेह जो है सरोजिनी नायडू को लिख दीजिएगा। वो पहले गवर्नर भी थे उत्तर प्रदेश के। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपके इस सपोर्ट का। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दिए होंगे चैनल को, और अगर नहीं किए तो कर दीजिए, वेट क्या चीज़ का कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सी राजा गोपालाचार्य के बारे में। वो एक पॉलिटिकल थे और लॉयर भी थे तमिलनाडु के, और उन्होंने ही सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था वहाँ पे। वो सबसे पहले और आखिरी जनरल गवर्नर थे इंडिया के 1948 से 1950 तक, और उन्हें भारत रत्न भी मिला था 1954 में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग एक और फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, और वो सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से लेकर के 1964 तक वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन 1929 में। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास। वो सबसे बड़े लीडर थे डिप्रेस्ड क्लास के तरफ से। डिप्रेस्ड क्लास मतलब कि बहुत ही नीचे कास्ट से वो बिलोंग करते थे। वो एक एससी थे और उन्होंने ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे, और उन्होंने ही लॉ मिनिस्ट्री सबसे पहले स्टार्ट किया इंडिया में। इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी वही सबसे पहले थे, और हिंदू कोड बिल भी उन्होंने ही लाया था। इसके बाद फेमस पर्सनैलिटी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुर और त्रिपुरा सेशन के लिए। उन्होंने महात्मा गांधी को एड्रेस किया फादर ऑफ नेशन के नाम से। हमेशा याद रखिएगा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का खिताब देने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। कभी एग्जाम में आएगा तो आप लोग निश्चिंत होकर लिख दीजिएगा। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है 1939 में शुरुआत भी किया था, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का शुरुआत और फाउंडर जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, और उन्होंने स्टार्ट किया था 1939 में। उसके बाद मेन फेमस पर्सनैलिटी है भगत सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शायद फिल्म भी देखी होगी। वो एक मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, HSRA के द्वारा, और उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे, और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया गया था 1931 में। उसी साल उन्हें फांसी की सजा भी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट फेमस पर्सनैलिटी है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और आप भी जानते होंगे। वो जो थी एक इंडियन रिवोल्ट थी 1857 से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने ब्रिटिश के द्वारा सॉरी ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपने होमलैंड को बचाने के लिए लड़ाई शुरू किया था। उन्होंने हुग रोज जो कि ब्रिटिश जनरल थे उस वक्त, उन्हें भी हराया था, और आखिरी युद्ध में उन्होंने हुग रोज से हारे भी थे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके राइटर कौन कौन थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। उन्होंने लिखा है
हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उसके बाद हम लोग जानते हैं सरोजिनी नायडू, जिन्होंने लिखा है किताब गोल्डन थ्रेश होल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है द आर्टिक होम ऑफ वेद्स। आरसी दत्ता ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। और बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल जर्नल्स और न्यूज़पेपर के बारे में, और उनके चीफ एडिटर कौन कौन थे। औरोबिंदो घोष जो है न्यू लैंप फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर के ऑडिटर थे। दाराभाई नारोजी राष्ट्र गोफ्टर के लिए, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लिए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेरल्ड, ये गांधी जी जो थे यंग इंडिया हरिजन इंडियंस ओपिनियन के लिए थे। हेनरी विवन डेरोजियो इंडियन गजेट न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर थे। जेम्स ए हिक्की बंगाल गजेट के चीफ एडिटर थे। और ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का। कभी भी पूछा जाएगा कि इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर क्या था, तो वो बंगाल गजेट था, याद रखिएगा। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल स्टार्ट किया था। अब हम लोग पढ़ते कुछ फेमस स्लोगन्स, हमेशा एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। ये फेमस स्लोगन्स किसके हैं और किसने कहे थे, याद रखिएगा। सबसे पहले दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे ले के रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है इसे याद रखिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्ट्रगल के टाइम में क्या क्या कब हुआ था, ये ईयर्स हमेशा याद रखिए। एग्जाम में इन सारे ईयर्स में से कोई ना कोई एक आता ही है हमेशा। सो सेपॉय मोटिनी 1857 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1855 में स्टार्ट हुआ था। बंग भंग पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा साइन किया गया था 1916 में। 1990 में मॉन्टेग चेनफोल्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्सी ने। 1920 में खिलाफत मूवमेंट, 1927 में साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आया था। 1930 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट शुरू किया गया था। 1931 में गांधी इरवन पैक्ट शुरू हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक्ट शुरू हुआ था। 1942 में अराइवल हुआ क्रिप्स मिशन का, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी उसी वक्त शुरू हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आया था, और इंटरिम गवर्नमेंट का शुरुआत उसी टाइम हुआ था। उसके बाद 1947 में माउंटबेटन ने अनाउंस कर दिया इंडिया का पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान, और उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि इंडिया जो है अब आज़ाद है 1947 में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट ऑफ कल्चर इंडिया के क्या क्या है, ये सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आप लोग को कल ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जो कि अपलोड हो जाएगा तुरंत। और कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट में अपने सारे के सारे क्वेरीज लिख दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, बहुत ही अच्छा मैसेज के साथ शेयर कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और दो लोगों को और भी पता भी चलेगा कि हिस्ट्री का क्लासेस शॉर्टकट में यहाँ पढ़ाया जा रहा है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।